528 साल के बाद ये तपस्या पूरी हुई है और वो भी मर्यादा में रहकर हुई है। आज के समय का माहौल को देखते हुए कहीं भी पिछली सरकारों के अंदर मुख्यमंत्री कई आए उत्तर प्रदेश के अंदर, और परसों एक घटना हुई है अमेरिका में, मुसलमान हिंदू में कोई भाईचारे में कोई कमी नहीं दिखती, उन्होंने ये काम नहीं किया। और हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। -24 डिग्री में वहाँ पे 600 गाड़ियों का काफिला निकला है -24 डिग्री में हमारे प्रभु राम के लिए। उन्होंने ये जो बोला था वो करा, जो मोदी जी ने बोला था 500 वर्षों का संघर्ष राम भक्तों का पूरा हो चुका है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और रामलला आगमन कर चुके हैं अयोध्या भव्य राम मंदिर में। अब मैं बात करूँ, इस समय मौजूद हूँ भारत के दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, क्योंकि अब जय श्री राम का नारा भारत तो क्या पूरे विश्व में और चहल उठाया है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कनॉट प्लेस में हिंदू वाहिनी के काफ़ी कार्यकर्ता पूरे दिल्ली प्रदेश को जय श्री राम के दीपक से सजा रहे हैं और साथ ही हर जगह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हर उल्लास दिख रहा है, भगवा ध्वज उनके गले में और उनके मुख पे जय श्री राम का नारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से भैया के सिर पे पगड़ी और जिस तरीके हाथों से दीपक जला रहे हैं, बड़ा ही देखने वाला विषय है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में दिवाली फिर आई है, राजा राम वापस अपने सिंहासन पे बैठे हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बात करने के लिए काफ़ी लोग हैं मेरे साथ, तो मैं बातचीत करूँगा। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है? परवीन बब्बर नाम है मेरा। अच्छा, मैं सर बात करें, आज कितनी खुशी है, 500 वर्ष का जो तपस्या है वो पूरी हुई है। 528 साल के बाद ये तपस्या पूरी हुई है और वो भी मर्यादा में रहकर हुई है। अच्छा। और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व, और परसों एक घटना हुई है अमेरिका में -24 डिग्री में वहाँ पे 600 गाड़ियों का काफिला निकला है -24 डिग्री में हमारे प्रभु राम के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मर्यादा में था, मर्यादा में राम मंदिर बना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु राम मर्यादा में रहे थे। अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। परसों मोदी जी ने गाय को चारा खिलाने के जो पिक दी है ना, उसमें समझ देशवासी समझ जाएं, अब कृष्ण जी की बारी है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से दीपक जला के जय श्री राम के नारे दिए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य भारतवर्ष में देना चाहते हैं इसके माध्यम से? हम उद्देश्य देना है, सब लोग एक हैं, सब राम के नीचे आ जाएं, हमारे भाईचारा सब एकता बनाए रखे, मुसलमानों के भी जो पूर्वज है वो राम है, और ईसाइयों के पूर्वज है वो भी राम है, हिंदुओं के तो राम है ही है, और सिख हमारे भाई हैं, बड़े भाई है हमारे। क्या? अच्छा सर, आज का क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या प्रक्रिया थी, क्या क्या व्यवस्था रही और कैसे दिनचर्या चल रही है आज की? व्यवस्था हम पूरे हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं की वजह से ये सब कार्य सफल हो चुका है, हो पाया है, और सभी लोग मिलजुल करके सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या अपना भगवान के नाम पर जो है महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे देश में इतना बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है तो उस महोत्सव में हम लोग भी शामिल हैं, सारा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बात करें कहीं इससे मुस्लिम भाई जो हैं क्या वो कहीं से हाथ नहीं होंगे, हर जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अच्छा, मुझे कहीं से भी नहीं लगता ऐसा कुछ है, कहीं एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कहीं ऐसा कोई भाईचारे में कोई कमी नहीं है। आज के समय का माहौल को देखते हुए कहीं भी मुसलमान हिंदू में कोई भाईचारे में कोई कमी नहीं दिख रही है। देखिए, मुस्लिम भाइयों ने भी सर स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और दो चार लोग तो देखिए हर उसमें हैं, हर मजहब में आपको मिल जाएंगे दो चार कट्टर लोग तो, लेकिन आज जो सच्चाई है, मुस्लिम लोगों ने भी बहुत साथ दिया है और वो अपने घर में भी दिए जला रहे हैं और जगह जगह मतलब पटाखे जलाएंगे, रात को दिवाली मनाएंगे वो लोग भी। क्या बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता को माहौल है आज देखने को मिल रहा है, महादिवाली मनाई जा रही है। बात करने के लिए काफ़ी और लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम है? क्या नाम है? हेमंत सोनी। अच्छा भैया, बात करें 2000 विपक्ष का आरोप है कहीं 2024 के लिए राम मंदिर एक फैक्टर बनाया जा रहा है, इसमें मोदी जी को रिप्रेजेंट किया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, जो 500 साल से मुद्दा चल रहा था पिछली सरकारों के अंदर मुख्यमंत्री कई आए उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने ये काम नहीं किया। और हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने ये जो बोला था वो करा, जो मोदी जी ने बोला था, आज अयोध्या बनाए, कल मथुरा की बारी है और काशी की बारी है, वही होगा जो सरकार चाह रही है, और बहुत अच्छा हुआ है। और भी सारे साथ हैं, ये नहीं सारे हिंदू ही हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ दे रहे हैं। यहाँ पे कई सरदार भाई आए हुए हैं जो साथ दे रहे हैं, इसमें सबका ही है, सबका ही साथ है इसमें। मतलब भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो देखने को मिल रहा है हमारे साथ भैया। नमस्कार भैया, भैया बात करें, पैनल पे मैं योगी जी का फोटो देख सकता हूँ, क्यों है योगी जी का फोटो?
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में नहीं विश्व में भगवा लहराएंगे। अच्छा। ये फोटो इसलिए है सरकार। अच्छा, विश्व में भगवा है इस समय? हाँ, विश्व में भगवा है, जितना हिंदुस्तान में नहीं उससे ज्यादा विश्व में भगवा है। अच्छा। जो मोस्ट मुसलमान कंट्री है, अरबी कंट्री है, उनमें आपने देखा होगा कितने भव्य भव्य मंदिरों के निर्माण हो रहा है। और सनातन धर्म का मतलब है सबकी पूर्ति, सबको शिक्षा, सबको सुरक्षा, सबका विकास। सब धर्म सनातन धर्म से निकले हुए धर्म हैं। हिंदी से सारी भाषाएं बनी हुई हैं और ये देवभूमि है। आर्यवर्त भारत भूखंडे बोला जाता है, इससे सभी देवों की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं। आज भगवान श्री राम का लाखों वर्षों से लाखों हजारों जो शहीद हुए हैं सनातन धर्म के लिए, आज उनके बलिदान का फल, उनके संघर्ष का फल का दिन है। आज दूसरी दिवाली है, इस दिवाली को हम हर साल दो दो दिवाली मनाएंगे। हम बड़े सौभाग्य हैं कि हमें इस सदी में हमने जन्म लिया और इसी सदी में हमें हमारे भव्य भगवान श्री राम आराध्य देव का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देखने का मौका मिला है और हमें यहाँ दिल्ली आकर के दीप उत्सव में भाग लिया है। आपने योगी और मोदी जी का नाम बड़े उल्लास से लिया, मैं सवाल करना चाहता हूँ। तो विपक्ष का आरोप है 2024 के लिए राम मंदिर को फैक्टर बना के मोदी जी का चेहरा तैयार कर दिया गया है। अभी तो मैंने केवल सनातन धर्म महाराज योगी बाबा के लिए बोला है, मोदी जी का नाम अभी तो लिया नहीं है। अच्छा। और मैं मोदी का नाम नहीं, जन जन बच्चा बच्चा मोदी योगी पुकारेगा, मोदी योगी पुकारेगा। क्या मंदिर की आड़ में 2024 के लिए मोदी जी का चेहरा तैयार किया जा रहा है? नहीं, इस फेस्टिवल को हम इसे फेस्टिवल कहेंगे। सभी पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टी, सभी धर्म, मोहम्मदन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सभी धर्म बड़े अहत उल्लास से मना रहे हैं। और मुगल जो मुसलमान परिवार है उन्होंने भगवान राम के भगवा वस्त्र भी धारण किए हैं, उनका भजन कीर्तन भी किया है। यहाँ पे कुछ युवा साथी भी है मौजूद। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। किस तरीके से योगी और मोदी जी का कार्य देखने को मिलता है? 370 के बाद राम मंदिर एक सबसे बड़ा कार्य है, क्या आगे लगता है? युवा क्या सोचता है कि आगे अखंड भारत बनेगा? ये कोई मंदिर नहीं है, हमारी भावनाएं हैं, जो कि पिछले 500 सालों से हमारे दादा परदादा इसके लिए कई जंगों से लड़ चुके हैं। बहुत चीज़ों को हारने के बाद आज ये दशक आया है कि मोदी जी के कल कर्मों द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। बहुत ही खुश है, निःशब्द है, प्रसन्न है। 111,000 दीयों के साथ हम यहाँ पे आज अपना दीपोत्सव बना रहे हैं। ये 111,000 है? जी बिल्कुल, 111,000 दीयों के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है और हर युवा यहाँ बहुत खुश है। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत बड़ा युवा का संगठन आया हुआ है जो कि बहुत खुश है और योगी जी के इस काम के लिए हम सच्चा नमन करते हैं, मोदी जी को बहुत नमन करते हैं, निःशब्द हूँ। क्या बात है। अच्छा भैया, जिस तरीके तैयारी लग रही है आगे अखंड भारत बन सकता है? माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से मंदिर बनने की बहुत ही बहुत शुभकामनाएं ताहे दिल से सभी देशवासियों को। क्या आगे लगता है अखंड भारत तैयार होगा? अखंड भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है और इसकी कामनाएं करता हूँ और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं एडवांस में। क्या बात है। जिस तरीके से मैं पूरी ओर देख सकते 111,000 दीयों का ये दीपोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है, छोटी अयोध्या दिख रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने भी बताया, पूरे विश्व में परचम लहराया हुआ है जय श्री राम का। अमेरिका में माइनस डिग्री में भी कई श्रद्धालु अपनी गाड़ियाँ लेके निकले हैं अयोध्या राम मंदिर के लिए। देखने वाला विषय है कि प्रभु राम के लिए इतने लोग अपना जो समर्पण है दे रहे हैं। 500 वर्ष की तपस्या जो आज पूर्ण हुई है और सुबह प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और राम मंदिर में भगवान श्री राम का आगमन भी हो चुका है। भैया नमस्कार, कैसे हैं जी? बढ़िया है सर। अच्छा अच्छा भैया, बात करें क्या जो इस तरीके से यहाँ पे शुभारंभ महोत्सव बनाया जा रहा है, युवाओं में क्या संदेश जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से मोदी योगी जी सनातन धर्म की बात देखिए, सबसे पहले मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं एक मुस्लिम से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम शादाब खान है और मैं अयोध्या का ही निवासी हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वहाँ पर 500 वर्षों का जो राम मंदिर का सपना था वो आज पूरा हो चुका है और वहाँ पर आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी अयोध्या को और वो हम युवाओं को मिल गई। अब रोजगार के नए अवसर
प्रधान होंगे। कई मुसलमानों को कहना है कि हमारी बाबरी मस्जिद तोड़कर उसके ऊपर राम मंदिर का आविष्कार। देखिए, जो न्यायालय फैसला करेगी उसी पर हम लोगों को अटल रहना पड़ेगा, और हम जहाँ तक मानते हैं कि अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है, तो हम लोगों ने उसको जस्टिफाई किया, माना, और आज हम लोग एक साथ मिलकर रहे। क्या खुशी है आपके अंदर? मैं तो बहुत बेहद उत्साहित हूँ। पहले भी उत्साहित रहता था क्योंकि मैं राम मंदिर कार सेवक भी रह चुका हूँ, तो इस वजह से मैंने अयोध्या सेवक रहे हैं जी। मैं अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया था, मैं और मेरे भाई थे बबलू खान जी अयोध्या। अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो अभी भी उनका डिबेट कंटिन्यू चलता है, और वो बीजेपी के नेता। कौन से सन में रहे थे जी? मैं तो 2018 में था जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था, उसमें हिंदू एकता का मुस्लिम हम मुसलमान भाइयों ने अयोध्या से दिया था।